guys, welcome back to my channel. I'm Neha and I make videos on beauty, fashion and lifestyle. And agar abhi tak aap logon ne mere channel ko subscribe nahi kiya hai, then do hit that subscribe button and subscribe to my channel. So aaj main karne wali hoon ek product review, and this is O3 plus D-Tan pack brightening and whitening. Now बहुत ज़्यादा ढेर सारी बातें नहीं करूँगी, फटाफट से आप लोगों को मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ. तो ये एक यू नो टिपिकल ब्लीच नहीं है, और मुझे भी अपने फेस के लिए ब्लीच पसंद नहीं है. नाउ दिस कम्स इन अ पैकेजिंग लाइक दिस, तो एक वाइट कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आता है, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ इसका ये कंटेनर है. सो दिस कम्स इन लाइक टू साइजेस, तो मैंने ये छोटा वाला साइज लिया है. So this is a 50 gram product for 830, और आपको ये नायका या अमेजोन पे डिस्काउंट में मिल जाएगा, अराउंड 20-30% डिस्काउंट मिल जाता है. हाँ, बट थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ ऑन यू नो प्राइजियर साइड, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. लेकिन जब मैं पार्लर में जाती हूँ अपने किसी भी डी टैन सेशन के लिए, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आपके फेस पे वो यही होता है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप किसी पार्लर में जाके कोई डिटेन सेशन लेते हो तो वो इतना भी यू नो सस्ता नहीं होता. बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी है इसके अंदर, आप देख सकते हो. सो इट इज़ अ वेरी थिन क्रीमी लाइक टेक्स्चर, सो दिस इज़ अ वेरी क्रीम लाइक टेक्स्चर अगर आप देखो तो. इसको का एक बहुत ही क्लोव यानी कि लॉन्ग जैसी स्मेल आती है इसके अंदर से. आई एम हैप्पी कि इसकी वो जो ब्लीच जैसी स्मेल होती है बहुत ज़्यादा केमिकल वाली, वो नहीं है इसके अंदर. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. और इसको आप फेस पे लगाते हो तो ये यू नो बिल्कुल एकदम कूलिंग इफेक्ट देता है. मे बी इट कंटेन्स मैंथॉल, इट कंटेन्स पेपरमिंट, बिकॉज ऑफ दैट ये आपके फेस पे थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है, विच इज क्वाइट गुड. इसमें इन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला गया है कि 3 से 4 मिनट ही आपको अपने फेस पे रखना है. मैं भी 4 मिनट तक इसको रखती हूँ, 4 से 5 मिनट, उससे ज्यादा मैं एक्सीड नहीं करती हूँ. यू नो बस उतना ही आपको करना है. इसको एक बहुत ही थिन लेयर आपको अपने फेस पे लगानी है, एंड अराउंड 3 to 4 मिनट्स के बाद आप इसको रिमूव कर लो अपने फेस से. दैट्स इट, आपको इतना ही करना है. सो मैं अगर इसके प्रोज की बात करूँ, जो इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं वो ये है. सबसे पहले इट्स अ ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग, तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, और मैं इसको लेके ट्रैवल भी कर चुकी हूँ और मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं आई. तो पहली चीज़ मैं बोलूँगी इट्स ट्रैवल फ्रेंडली. दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इट्स वेरी इजी टू अप्लाई, तो आपको कुछ भी नहीं करना है. आप अपने नॉर्मल, आप चाहो तो फिंगर से, या अगर किसी स्पैचुला से आप चाहो तो लेके इसको अपने फेस पे एक बहुत ही थिन लेयर आपको लगानी है. तो दैट मींस कि आपका जो प्रोडक्ट यूसेज है वह बहुत ही ज़्यादा कम है. तो थर्ड जो मुझे इसकी बहुत अच्छी खासियत लगती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक बारी में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसका मतलब कि ये जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा. सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. और इसके अलावा मुझे जो ब्लीच लगाने के बाद बहुत ज़्यादा फेस पे जलन या वो सारी चीज़ें होती हैं वो इससे बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही आपका फेस एकदम से रेड हो जाता है. नाउ ये आपके टैन रिमूवल में इफेक्टिव है कि नहीं है, नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये बिल्कुल टैन रिमूव करता है, एंड ये नहीं बोलूँगी कि एकदम आप बिल्कुल सांवले हो गए हो धूप में एंड फिर एकदम से आपको ये लगाते ही गोरा कर देगा, नहीं. यू विल हैव टू यूज़ इट फॉर अराउंड 2-3 times एटलीस्ट अपने टैन रिमूवल के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ यू नो एक बार में उतनी इफेक्टिव नहीं होती है. तो मैंने इसको जैसे एक बार लगाया था तो 1 usage में ही मुझे इफेक्ट दिखा था. ये बिल्कुल टैन रिमूव करता है, एंड थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी आता है इससे. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसको यू नो एक बार ट्राई करो, एंड आपको अगर बहुत ज़्यादा समर्स में टैनिंग आ गई है देन दिस प्रोडक्ट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. तो अगर मैं अब इसकी कॉन्स की बात करूँ, मुझे क्या क्या इसके अंदर पसंद नहीं आया है, तो मुझे नहीं पसंद आया है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि यू नो पार्लर्स में यही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एंड जो आपको वो प्राइस लेते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर उस फैक्ट को आप देखो तो उसके हिसाब से आई थिंक ये प्राइस फिर भी रीजनेबल है.
और जो सेकंड अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे थोड़ा सा वो केमिकल वाला स्मेल नहीं है, क्लोव की स्मेल आती है, बट अगर किसी को यू नो वो क्लोव की स्मेल पसंद नहीं है तो उनको थोड़ा सा यू नो इससे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो जो स्मेल है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो दैट्स इट गाइज. अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं इसको आउट ऑफ 5 कितने पॉइंट्स दूंगी तो मैं इसको बिल्कुल 4.5 दूंगी. हाफ पॉइंट्स मैंने काटे हैं थोड़े बहुत इसके प्राइस के लिए एंड थोड़ा सा जो ये स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसके लिए. दैट्स इट. उसके अलावा मुझे ये बहुत इफेक्टिव लगता है एंड अगर आप लोग ये यूज़ करना चाहते हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट. So that was all guys. I hope you liked my video and if you liked it then please do hit that like button and subscribe to my channel. Also click on that bell icon so that you get notified whenever my new video is uploaded. Thank you so much for watching.